आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो उसके ऊपर है कि अगर आपको से अगर एक बैकएंड इंजीनियर बनना है, सो बैकएंड इंजीनियर के लिए आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, क्या क्या आपको डिफरेंट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी सो दैट यू कैन बिकम अ गुड बैकएंड डेवलपर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड डिस्कस करते हैं कि कौन से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं जिसके अंदर आपको एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होगी जिससे कि आप एक अच्छे बैकएंड इंजीनियर बन सको, राइट। सबसे पहले बेसिकली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आपको एक सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। अब आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं, लाइक जावा हो गया, पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया, सी शार्प, गो, रस, नोड जेएस, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसके अंदर से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। इसमें जो मैं रिकमेंड करूंगा उसके अंदर है पाइथन या जावा, इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो बिकॉज दीज आर द टू ऑफ द मोस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके ऊपर आजकल इंडस्ट्री में काम चल रहा है। सो एनी ऑफ द लैंग्वेज वुड वर्क, बट अगर मेरी कोई पर्सनल चॉइस होगी तो वो जावा होगी। सो जावा आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज, काफ़ी मतलब बहुत सारी जितने भी आपके पास जितने भी अलग अलग कॉम्पोनेंट्स आते हैं सबकी लाइब्रेरीज वगैरह ईजिली अवेलेबल है। जावा के अंदर फ्रेमवर्क्स वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं जिससे कि बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो पाती है। एंड जावा इज अगेन लाइक वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में यूज होती है। पाइथन अगेन इज रियली गुड, बट पाइथन का जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है वो ये कि अगर एक अच्छे जावा डेवलपर हो तो आप इजीली पाइथन में काम कर पाओगे, बट शायद वो वाइस वर्सा वाला ना ट्रू नहीं होता। अगर आप एक अच्छे पाइथन डेवलपर हो सो अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग ऑन जावा माइट नॉट बी दैट इजी। सो इसलिए ट्राई करो कि अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो टुवर्ड्स लर्निंग सो आप स्टार्ट करो विथ जावा। द नेक्स्ट इज लाइक अगर आप अब अगर आपसे आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर ली से पाइथन और जावा, देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको एक फ्रेमवर्क भी चूज करना पड़ेगा। सो फ्रेमवर्क अब मार्केट के अंदर वो पुराने तरीके से डेवलपमेंट नहीं होती कि मतलब आपको हर चीज़ स्क्रैच से लिखनी है। अब अ लॉट ऑफ गुड फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल दैट कैन लाइक मेक यू डेवलप द थिंग्स फास्टर। सो इसके अंदर जैसे अगर आप जावा में देखोगे तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क आता है, पाइथन में अगर देखोगे तो फ्लास्क आता है और भी सारी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। सो वट यू शुड डू इज दैट कि से आपने जो से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करी है उसके रिलेवेंट जो भी फ्रेमवर्क है आप उसके अंदर एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, आपकी उसके अंदर भी एक अच्छी अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए सो दैट लाइक अगर जब आप एक्चुअली में जब काम करोगे सो यू आर एबल टू लाइक डू गुड जस्टिस टू द थिंग्स दैट यू आर वर्किंग ऑन, राइट। अब ये तो हो गए हमारे प्रोग्रामिंग साइड ऑफ थिंग्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है डेटा बेस। सो एज यू ऑल नो कि जो पूरी पूरी हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो डेटा के अराउंड ही चलती है। सो जितना भी आपका डेटा हो लाइक कस्टमर का डेटा है, आपके वेंडर्स का डेटा है, आपके परचेज हिस्ट्रीज है, जो भी है सारा एक डेटा बेस के अंदर कहीं ना कहीं रिसाइड करता है, राइट। सो उसकी वजह से आपको एक कोई एक दो डेटा बेसिस के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो नाउ इफ यू लुक एट द डोमेन ऑफ डेटाबेस, यूजुअली जो डेटाबेसेज हैं वो दो डोमेन्स के अंदर स्प्लिट है। वन इज लाइक द रिलेशनल डेटाबेसेज एंड अदर वन इज द नॉन रिलेशनल डेटाबेसेज, जिसको हम सीक्वल वर्सेज नो सीक्वल डेटाबेसेज भी बोलते हैं, राइट। सो सीक्वल डेटाबेसेज में अगर आप देखो तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे पोस्टग्रेस हो गया, माई सीक्वल हो गया, एम एस सीक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, MariaDB वगैरह हो गया। सो इसके अंदर से जो आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट एक से दो डेटाबेसेज को थोड़ा सा देख लो, बिकॉज डेटाबेसेज के अंदर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि आपको डेटाबेस का बिल्कुल एक्सपर्ट होना है, बिकॉज मोस्टली जो डेटाबेसेज है सबकी जो है अपनी लाइब्रेरीज अवेलेबल है इंटरेक्ट करने के लिए, चाहे आप जावा पिक कर लो, चाहे आप पाइथन पिक कर लो और कोई और लैंग्वेज पिक कर लो, राइट। आपको बस एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कर रहे हो तो पोस्टग्रेस और माई सीक्वल को देखो, एंड अगर आप इन दोनों में से किसी एक को टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली पोस्टग्रेस को देखो, बिकॉज पोस्टग्रेस के मार्केट पिकअप बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा को जो कंपनीज है वो पोस्टग्रेस पे आजकल काम करने लग गई हैं। भाई अगर हम नो सीक्वल वाले डेटाबेसेस देखें तो उसमें अगेन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे MongoDB हो गया, CouchDB, DynamoDB, DreethinkDB हो गया, उसके अलावा बाकी Cassandra वगैरह वो सब भी ऑप्शंस आते हैं। सो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसके अंदर आई वुड रिकमेंड कि आप MongoDB देखो। इनफैक्ट अगर आपको शायद पता है या नहीं, बट पूरा का पूरा जो पेटीएम है उसका डेटाबेस जो है वो मोस्टली MongoDB पर ही है। सो MongoDB इज वन बिग डेटाबेस जो है आजकल कंपनीज के अंदर बहुत वाइडली यूज हो रहा है। सो दैट इज वाई लाइक आई एम सेइंग कि आप अगर आपको एक डेटाबेस पिक करना है तो डेफिनेटली गो फॉर MongoDB, राइट। अब इसके बाद बिकॉज आप कुछ कोड कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं कोड को मेंटेन करना है, कुछ ना कुछ रिपोजिटरीज होनी चाहिए जहाँ पे आपका कोड जो है जा रहा है, और उसके बाद जो है आप वहाँ पे कोड को मेंटेन कर पा रहे हो, वर्जनिंग कर पा रहे हो, उसके लिए अलग अलग टूल्स आते हैं एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, लाइक आपको इन टूल्स की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। सो इसके अंदर दो मेजरली टूल्स चलते हैं, GitHub हो गया और एक Bitbucket हो गया। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक को पिक करो तो गो फॉर GitHub। GitHub काफ़ी वाइडली यूज है, GitHub के ऊपर लोगों के पब्लिक प्रोफाइल्स वगैरह भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने जो भी वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, ऐसे अगर वो कुछ रिज्यूमे वगैरह में मेंशन करना चाहते हैं तो वो GitHub के ऊपर पब्लिश करते हैं। इनफैक्ट GitHub इज़ लाइक बेसिकली द फ्लो आजकल क्वेरीज के लिए बन चुका है, वैसे GitHub जो है आजकल प्रोजेक्ट्स के लिए बन चुका है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए हो, कुछ भी हो चाहिए हो, GitHub के ऊपर बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाता है।
तो दैट इज वाई आई वुड रिकमेंड कि आप गेटअप के अंदर हो सके तो एक लेवल ऑफ मास्टरी करने की कोशिश करो, सो दैट एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ के रिपोजिटरी कैसे बनानी है, रिपोजिटरी के ऊपर से राइट्स वगैरह कैसे मैनेज करने हैं, कोड कैसे सबमिट करना है, नई ब्रांच कैसे बनानी है, उन सब चीज़ों के ऊपर आपको एक काफ़ी अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप इन सब चीज़ों को ईजिली मैनेज कर पाओ, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हिच इज़ लाइक कैशिंग। सो कैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल बहुत ज़्यादा जगहों पे, सी लाइक हर टाइम आप डेटाबेस पे नहीं जा सकते हो क्वेरी करने के लिए, जिसकी वजह से कैशिंग के कंपोनेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अंदर रेडिस जो है, रेडिस एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैशिंग मतलब टूल है। सो रेडिस के अलावा बाकी बहुत सारे होते हैं कि इन मेमोरी कैश वगैरह भी लोग क्रिएट करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार रेडिस को ज़रूर देखो। रेडिस काफ़ी ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ उसके डेटा टाइप्स ही होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसको उसको सीखना। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार कर लो, तो किसी तरह डॉकर वगैरह, अगर आप डॉकर वगैरह यूज़ करना जानते हो तो डॉकर के ऊपर लोकली डिप्लॉय वगैरह करके रेडिस को यूज़ करके देखो, एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के देखो, सो दैट यू गेट सम काइंड ऑफ एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, राइट। अब इन सारे कॉम्पोनेंट्स के बाद जो एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट आ जाता है वो है एपीआई। सो एपीआई जो होती है बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, सो दीज आर द वंस दैट लाइक ओपन अप योर एप्लीकेशन टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। आजकल मतलब जितने भी आपके एप्लीकेशन हो गए, चाहे वो मोनोलिथिक हो, माइक्रो सर्विसेज हो, किसी भी तरीके का आप जो है आर्किटेक्चरल पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीआई लाइक द बैकबोन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नाउ, राइट। सो इसके अंदर जो है अब अलग अलग तरीके की APIs आ गई हैं, जैसे REST API हो गई, GraphQL हो गई, SOAP APIs हो गई। सो REST API काफ़ी प्रोमिनेंटली यूज़ होती है, इनफैक्ट GraphQL भी बहुत बहुत फास्ट तरीके से जो है ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा पिकअप हो रही है। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो गो फॉर REST API। REST API को अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, एंड ट्राई टू बिल्ड सम APIs ऑन योर ओन। फॉर एग्जाम्पल से अगर आप जैसे यूज़र के लिए APIs बना दो, तो क्रिएटिंग अ यूज़र, अपडेटिंग अ यूज़र, सीइंग द लिस्ट ऑफ यूजर्स, डिलीटिंग अ यूजर, एंड इन तरीके की जो छोटे मोटे ऑपरेशन है इनके अराउंड APIs बना के देखो, सो दैट यू नो लाइक आप APIs के साथ काम कर पा रहे हो कि नहीं, राइट। इसके अलावा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपको एक CI/CD टूल्स वगैरह की भी होनी चाहिए। इसके अंदर जेनकिंस जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली मार्केट में यूज होता है। सो दीज आर लाइक बिल्ड टूल्स, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए टूल्स होते हैं, जिसके अंदर आप बेसिकली कॉन्स्टेंटली आप बिल्ड्स बनाते हो और उसको डिप्लॉय करते हो, तो उस तरीके के टूल्स होते हैं। सो जेनकिंस इसके अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट है। जेनकिंस को आप थोड़ा सा देख लो कि उसके अंदर कैसे आप जो है कैसे आप बिल्ड को पब्लिश कर सकते हो, कैसे बिल्ड को बना सकते हो और कैसे बिल्ड को डिप्लॉय कर सकते हो। बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स इसके जो है यूट्यूब वगैरह के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा जेनकिंस के बहुत अच्छे वीडियोस जो हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज जो हैं लिंक्डइन लर्निंग वगैरह के ऊपर भी अवेलेबल है, तो उनको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो अब जो CI/CD टूल्स जो आजकल जो डिप्लॉयमेंट्स होती है वो लाइक रेगुलर डिप्लॉयमेंट्स की तरह नहीं, मतलब जो पहले के टाइम में होता था सीधा आपने कोड उठाया डिप्लॉय कर दिया, उस तरीके से नहीं होते आजकल। डॉकराइज्ड और ये क्यूबरनेटीज वगैरह के थ्रू जो है आजकल डिप्लॉयमेंट्स होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप छोटे छोटे कंटेनर्स बना देते हो, इमेजेस बनाते हो, इमेजेस को आप पॉड्स पर डिप्लॉय करते हो और उस तरीके से आजकल डिप्लॉयमेंट होती है, राइट। सो ये सारा डोमेन है जो ये सारे कंटेनराइजेशन और ये डॉकर और क्यूबरनेटीज इसके अंदर जो है बहुत प्रोमिनेंट टूल्स बन चुके हैं। सो इसकी वजह से आई वुड रिकमेंड कि आप डॉकर और क्यूबरनेटीज को भी अच्छे से देख लो। दिस विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आजकल एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करना होता है, कैसे वो पॉड होता है, पॉड के अंदर अलग अलग इमेजेस को मैनेज किया जाता है ताकि वो एक पूरा का पूरा एंड टू एंड पूरा सॉल्यूशन जो है वो एक डिप्लॉय किया जा सके यूजर के लिए। सो दीज आर मेजरली द कॉम्पोनेंट्स अराउंड द लाइक द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सो लाइक अगर आप इसमें देखोगे CI/CD और कंटेनराइजेशन, ये सारे पर जो पार्ट्स हैं ये थोड़े आपके उसके अराउंड आ गए, और इवन जो गिट वगैरह ये थोड़ा आपका डेवऑप्स की साइड चला गया, जो आपका कोड डेवलपमेंट के अराउंड हो गया। अगर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए, फ्रेमवर्क्स हो गए, आपके डेटाबेसिस, कैशिंग, ये सारी API बनाना, ये सब आपका जो है कोड डेवलपमेंट की साइड हो गया। इसके अलावा अब एक मेजर कंपोनेंट और आता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, व्हिच इज लाइक टेस्टिंग। सो टेस्टिंग के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि फॉर एग्जांपल आप अपने कोड को यूनिट टेस्ट कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन टेस्ट लिख रहे हो, फंक्शनल टेस्ट लिख रहे हो, सो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेक श्योर दैट इसके अंदर भी जो है बहुत सारे अगेन लाइक फ्रेमवर्क्स अवेलेबल होते हैं, जैसे मॉकेटो वगैरह हो गए। अगर आप उसके अंदर देखोगे एंड टू एंड टेस्ट अगर आप लिखना चाहते हो तो उसके लिए सेलिनियम एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। सेलिनियम के थ्रू जो है पूरा एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा से अगर आप एक इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग वगैरह उन सब तरह की चीज़ों को देखना चाहते हो तो रेस्ट एश्योर्ड वगैरह जो है, अगर आपकी API टेस्टिंग वगैरह उसके लिए ये सारे बहुत अच्छे टूल्स हैं। सो हर जगह पे अलग अलग तरीके के टूल्स हैं आपको से इसके अंदर जो है। फॉर एग्जांपल आई वुड रिकमेंड कि आप सेलिनियम को अच्छे से देखो, अगर आप जावा में जा रहे हो तो मॉकेटो को अच्छे से देखो, रेस्ट एश्योर्ड को अच्छे से देखो ताकि आप रेस्ट APIs वगैरह की टेस्टिंग कर पाओ। अगर आप ये तीन टूल्स देख लेते हो तो आपका टेस्टिंग का साइड भी जो है वो
बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आई थिंक ये एक ओवरऑल एक जर्नी है जो कि आपको देखना चाहिए। ये सारे अलग अलग टूल्स हैं, इसके अंदर मोस्टली जो है इनके सारे वीडियोज़ और सारे जो सारे कोर्सेज वगैरह जो है लिंक्डइन लर्निंग पे, कोर्सेरा वगैरह पे इजीली अवेलेबल है। आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा आप मतलब टाइम इन्वेस्ट करके इन सारे कोर्सेज को परस्यू करो सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई नो कि बहुत सारी चीज़ों की यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ भी है, बट आप आई वुड स्टिल रिकमेंड लाइक यूट्यूब के वीडियोज़ करने से अच्छा है दैट अगर आप इनके एक्चुअल कोर्सेज कर पाओ, बिकॉज दैट वन इज लाइक डेफिनेटली दैट देयर कंटेंट इज क्यूरेटेड, बिकॉज वो कोर्स जब वहाँ पे पब्लिश हुआ है सो वहाँ पे उसका कंटेंट जो है एक बेटर क्वालिटी का होगा। प्लस इट ऑल्सो गिव्स यू अ सर्टिफिकेशन, वो सारे सर्टिफिकेशन आप अपने लिंक्डइन वगैरह पर डाल सकते हो जिससे कि रिक्रूटर्स नो दैट ओके यू नो दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, यू हैव वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, यू हैव रिसीव्ड अ सर्टिफिकेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज। सो उससे कि उनकी वो एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ इस बंदे को या इस बंदे को ये सब चीज़ें आती हैं, सो वी कैन ईजिली अप्रोच देम कंसिडरिंग कि ये वाले जो पैरामीटर्स है, ये वाली जो टेक्नोलॉजीज है, ये हमारे JD के साथ मैच होते हैं। सो आई होप ये वाली वीडियो जो है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू नाउ हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि अगर मुझे बैक एंड डेवलपर बनना है तो मुझे क्या क्या करना है, एंड आई होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड डू शेयर योर कमेंट्स, डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको आगे इसके बारे में कुछ भी सीखना हो या कुछ भी पढ़ना हो तो प्लीज़ शेयर द कमेंट एंड प्लीज़ आई ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज एंड ऑल। एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।